दोस्तों आज का प्रोडक्ट जेब्रोनिक्स की तरफ से, जेब्रोनिक्स ब्लूटूथ स्पीकर। ये है एक छोटा सा टाइनी ब्लूटूथ स्पीकर जो कि जेब्रोनिक्स ने कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया था। 5 वाट पावर वाला ये छोटा सा स्पीकर जो पॉकेट फ्रेंडली है, आ जाएगा पॉकेट में, बट थोड़ा पॉकेट साइज थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए, अदरवाइज आप हाथ में लेके भी चल सकते हो। पोर्टेबल है, इजी टू कैरी है, बैग में भी लेके जा सकते हो। इस स्पीकर का आज फुल में रिव्यू करने वाले हैं। चैनल पे आप नए हो तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ये है बॉक्स स्पीकर का। बॉक्स में ब्रांडिंग और फैब्रिक फिनिश का स्पेसिफिकेशन मेंशन किया गया है। ऋतिक रोशन का सिग्नेचर मिलता है आपको, और बैक में आपको क्या मिलता है, जो इंपोर्टर डिटेल्स मिलता है जेब्रोनिक्स इंडिया में। एमआरपी मिलता है, चाइना से बना इंपोर्ट हुआ है, और मॉडल जो है जेब डिलाइट। बाकी इसमें यूएसबी माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट होता है, एफएम रेडियो है, कॉल फंक्शन है, वॉल्यूम कंट्रोल का फंक्शन सबको देखने को मिल जाते हैं। तो बस पैकेट में इतना ही, और फुल स्टीरियो इम्पैक्ट लाने के लिए आपको दो ऐसे जेब डिलाइट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो स्टीरियो का इफेक्ट अच्छी तरह से मिल जाएगा। ऐसे बैटरी बैकअप का 1 यूनिट मेंशन कहीं नहीं किया गया है। चलिए, बॉक्स में ज़्यादा कुछ था नहीं, एक केबल्स था, माइक्रो यूएसबी केबल चार्जिंग के लिए। बाकी ये है यूनिट, ओवरव्यू इसका देख लेंगे। नीचे की तरफ जेब्रोनिक्स का एक स्टिकर, ब्रांडिंग, दो स्टैंडिंग के लिए दो रबर दिया गया है, अच्छी तरह से स्टैंड हो पाई। और पीछे की तरफ आपको सारे पोर्ट्स मिलते हैं, चार्जिंग, ऑन ऑफ बटन, माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट, यूएसबी का स्लॉट। बट एफएम कैसे होगा, इसके लिए कोई स्टिक वगैरह तो है नहीं। बाकी इधर मोड, ऊपर में बटन मिलते हैं, मोड का बटन, प्लस माइनस का बटन, एंड आई थिंक ये फॉरवर्ड करने का बटन नेक्स्ट मिलता है। चलिए इसको अभी टर्न ऑन करके देखेंगे, साउंड टेस्ट करेंगे। सामने की तरफ जेप्रोनिक्स का एक ब्रांडिंग तो है, बट ये ग्लू के साथ ठीक है, पता नहीं कितना दिन टिकेगा, ये शायद निकल जाएगा। और ये ले जैसे ऑलरेडी मैंने फैब्रिक फिनिश है ऊपर का हिस्सा, बाकी सब प्लास्टिक का ही है। और ये भी एक हैंडल जैसा दिया गया, हाथ में लेके ऐसे आप घूम सकते हो कहीं पे भी कैरी करने के लिए। इतना ही है ओवरव्यू। चलिए अभी इसको टर्न करेंगे, ऑन कर लेंगे। पीछे का बटन को सामने की तरफ स्लाइड करना पड़ेगा। Zebronics for life. Bluetooth mode. चलिए ये कनेक्ट हो गया है Set for life is इमीडिएटली, now connected. बढ़िया है, क्विक कनेक्ट देखने को मिलता है हमें। अभी अब लोगों को म्यूजिक टेस्ट करा के दिखाते हैं कितना अच्छा साउंड निकल के आता है। ये तो था एक मीडियम वॉल्यूम में साउंड, अब इसको थोड़ा लाउड करते हैं। इधर से आप हमको साउंड बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको शायद प्रेस करके रखना पड़ता है। अच्छा, सिंगल प्रेस में नेक्स्ट हो रहा है, तो मैं इसको होल्ड, नेक्स्ट वॉल्यूम, नेक्स्ट वॉल्यूम, नेक्स्ट वॉल्यूम, ये फुल वॉल्यूम में। इसका फुल वॉल्यूम बहुत ही लाउड है, ऑलमोस्ट कवरेज एरिया आप मान के चलो 400 से 500 स्क्वायर फीट के अंदर के एरिया में कवरेज आता है। इवन आउटडोर में भी आपको 100-200 स्क्वायर फीट का कवरेज आपको देखने को मिलता है। तो छोटे मोटे आउटडोर ट्रिप्स वगैरह के लिए या कार में बिठाने के लिए एक आइडियल है। साउंड काफ़ी है, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है,
फ्लैट बेस देखने को मिलेगा, स्टीरियोज ठीक ठाक निकल के जाते हैं, आई मीन ट्विटर्स अच्छे काम करते हैं, तो ओवरऑल साउंड्स आपको डिसेंस प्रोड्यूस करके देता है, बाकी इसका मोड चेंज करके देखते हैं। TWF मोड, TWF ओके, मतलब मेमोरी कार्ड मोड, TWF मोड, TWF मोड, TWF मोड, FM ब्लूटूथ मोड, FM मोड, एफएम मोड में, एफएम मोड में कैसे कनेक्ट करना है उसको देखना पड़ेगा, थोड़ा ट्रबल शूट करना पड़ेगा, अदरवाइज एफएम है इसमें, आप एफएम भी कनेक्ट कर सकते हो, अच्छी बात है, जिनको एफएम अभी भी सुनना अच्छा लगता है उनके लिए एक छोटा सा डिवाइस एफएम का काम कर देता है। बैटरी इसका कंपनी 4 से 5 घंटे का क्लेम करता है, तो आइडियली 4 आवर्स पकड़ के चलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो ठीक ठाक प्रोडक्ट है। आई थिंक अमेज़ॉन में ही ये 700 रुपये में मिल रहा है, 600-700 रुपये में मिलता है, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट ठीक ठाक डिसेंट प्रोडक्ट है, रेट के हिसाब से आप डेफिनेटली अनसेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, बाय लिंक भी आपको मिल जाएगा, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।